Hello everyone, welcome back to my series classes and I'm back with another video and in this video I'm going to discuss today's current affair. So today is 10th of May and let's start with today's current affair. So the first question is, when World Migratory Bird Day is an annual global celebration celebrated? देखो ये जो World Migratory Bird Day है, जैसे birds हर year में कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स होते हैं जो हर ईयर में माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं, ठीक है। सो ये डे क्यों मनाया जाता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये डे इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इट्स एन अवेयरनेस राइजिंग कैंपेन, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं कैंपेन है किस लिए, अवेयर करने के लिए, टू अवेयर पीपल एंड ऑल द कंट्रीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ birds, okay, the ecological importance of the birds and the importance in the ecosystem, got it। हमारे नेचर के लिए कितना जरूरी है इनका माइग्रेट करना, इनका रहना, ठीक है, इकोसिस्टम में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन होता है, ठीक है, और ये डे मनाया जाता है। सो ये डे मनाया किसके द्वारा जाता है, यूएन के द्वारा, ठीक है। और इस बार किसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, व्हाट, birds connect our world। So the second thing which we need to remember this is that this day is celebrated twice in a year, right? ये एक साल में दो बार मनाया जाता है, और वो कब कब मनाया जाता है, second Saturday in May, the second Saturday of May, okay? May का second Saturday and second Saturday of October, got it? Okay. So इसकी बात हमने theme की बात करी, birds connect our world, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, लुक एट दिस पिक्चर। इसमें सबसे ऊपर लिखी हुई है इसकी थीम, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजर गाइड 2020, ठीक है, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, आपको इससे याद रहेगा देख के। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो हमने बात करी कि ये माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और ये माइग्रेट करते क्यों, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का इनका रीज़न क्या होता है। इनका रीज़न होता है जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस इनके लिए पॉइजनस हो जाता है, मतलब इनको रहना कठिन हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और आजकल इन दीज ईयर में क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर्स में इनकी इलीगल किलिंग्स हो रही है, इलीगल किलिंग्स हो रही है, ठीक है, इलीगल किलिंग्स। सो This was the all about the World Migratory Bird Day, okay? So let's discuss another thing. अब हम discuss करते हैं जो मई में हमने अभी recently मई में जितने भी important day celebrate करे हैं, वो एक बार वो discuss कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। So जल्दी जल्दी revise करते हैं, ठीक है। First को हमने करा था International Labour Day, first को हमने करा है International Labour Day, ठीक है। सेकंड को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड टूना डे, सेकंड को करा वर्ल्ड टूना डे और वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। थर्ड को करा हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और उसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या थी, इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर, ठीक है, जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर। फोर्थ को हमने करा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, फोर्थ को हमने करा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। फिफ्थ को हमने करा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, तीन इंपॉर्टेंट डेज थे फिफ्थ को, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड आस्थमा डे, ठीक है। सेवन्थ को हमने करे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी, 159 जयंती थी, ठीक है, एक बार याद कर लो, एक बार 159 थी क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, 159 होगी। और गुरु गोरखनाथ जयंती थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, गौतम बुद्धा जयंती, ठीक है। एट्थ मे को हमने करा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कौन सा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, गॉट इट। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने अभी सेलिब्रेट करे हैं। चलो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करने से पहले हम बात कर लेते हैं ये डे जो यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सो यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 24th October 1945, got it? Okay, अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, ये इसका फ्लैग है, ये इसके एम्बलम है, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, got it? और ये है क्या, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट लिंक करती है, ठीक है। और इसके में टोटल मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर्स, ठीक है, और टू ऑब्जर्वर सिटीज़ हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, तो 195 होते हैं।
इसके लीडर देख लो अभी, सेक्रेटरी जनरल लीडर याद रखना बस, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद टाटा पावर SED फॉर इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन एट 37 एयरफील्ड्स, हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो अभी हुआ क्या है, इंडिया ने किसके साथ, टाटा पावर SED के साथ एक साइन करी है। क्या साइन करा इन्होंने, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जो 37 इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन, देखो हुआ क्या है, हमारे मिलिट्री को, हमारे डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर पूछा है इसमें क्वेश्चन में, सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। देखो हम अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए फेज़ 1 पहले चला दिया गया था, ये कौन सा है, ये फेज़ 2 है, ठीक है। और ये किसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हो रहा है, MAFI क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉट इट। अब बात करते हैं कितने पैसे इसने स्पेंड करें इसके ऊपर। सो इसने 1200 करोड़, ठीक है, करें हैं। किसके साथ साइन करिए, टाटा पावर SED के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने करी है, राजनाथ सिंह ने, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे वो। देखो राजनाथ सिंह की आपको मैं पिक दिखा देता हूँ एक बार, आपको पिक से ज़्यादा अगर होता क्या है ना, पिक्चर्स देख के जल्दी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। सो ये है राजनाथ सिंह, ठीक है। देखो ये इन्होंने स्पेस जेट उड़ाया था तब की ये इनकी पिक्चर है, ठीक है। अब बात करते हैं रामविलास पासवान, मैंने सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है रामविलास पासवान कौन है, बात करते हैं इनके बारे में। सो रामविलास पासवान कौन है, रामविलास पासवान है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों थे, इन्होंने रिसेंटली कल के ही करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था, इन्होंने 19.5 करोड़ पीपल्स को फ्री पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट के लिए वो एक स्कीम लाए थे, एक स्कीम के अंडर ही उन्होंने काम करा था। वो कौन कौन थे वो लोग, किस किस के साथ मिलके करी थी, सो ये थे NAFED, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, गॉट इट। अब बात करते हैं ये किस कौन सी उसके योजना के अंदर थी, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर था ये, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन न्यूज़ में क्यों थे। सो देखो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इनके पास वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। हरदीप सिंह पुरी न्यूज़ में क्यों थे, देखो हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर है वो है सिविल एविएशन मिनिस्टर, नगर विमान मंत्रालय, ठीक है। सो इन्होंने और DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने मिलके अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, गरुड़, ठीक है, याद रखना, ये ड्रोन से रिलेटेड है, ड्रोन्स जो कि 450 हाइट तक उड़ के स्प्रे कर सकता है, किसी चीज़ पे निगरानी रख सकता है, सिपाही के तरह काम कर सकता है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें थी। अब लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हु विल बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नेक्स्ट प्रेजिडेंट कौन होंगे। देखो फर्स्ट टाइम से ही जो इसके नॉन ब्रिटिश प्रेजिडेंट थे वो थे कुमार संगकारा। सो अभी दोबारा इन्हीं को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो कुमार संगकारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के सॉरी ये श्रीलंका टीम से बिलोंग करते हैं वैसे, और ये मेलबर्न क्रिकेट का उसके प्रेसिडेंट बने अभी। और इनको कब इलेक्ट किया गया था, इनको इलेक्ट किया गया था 1 अक्टूबर 2019, तब से यही हैं। और इनको इलेक्ट किसके दिया, इसका नॉमिनेटेड किसके द्वारा किया गया था, वो एंथनी ब्रेफोर्ड के द्वारा इनको नॉमिनेटेड किया गया था, ठीक है। सो अभी रिसेंटली एक और स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में है, और वो है अजिंक्य रहाणे न्यूज़ में क्यों हैं, इनके बारे में बात करते हैं अभी। देखो
जो अजिंक्य रहाणे है वो हमारे इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है, इंडियन क्रिकेट टीम के, और इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसका? ELSE। ELSE है क्या? देखो ये एक एडटेक कंपनी है, ये एक एडटेक कंपनी है, ठीक है, और ये US बेस्ड कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और ये है ELSE। सो ELSE की फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। वॉट? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। अब देखो जो ये कॉरपोरेशन है, जो ये ELSE है, ये किस में है, क्या करता है ये है क्या चीज़? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट? ये जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अजिंक्य रहाणे में बात करी, देखो जो रोहित शर्मा है, इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन जो रोहित शर्मा है, उन्होंने उनको भी अभी कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया गया था, वो है अभी क्रिकेट जस्ट अ मिनट या सो वो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो कि क्रिक किंगडम है वो कहाँ की बेस्ड है? वो दुबई बेस्ड है, ठीक है। और ड्यू टू कोविड नाइन्टीन अभी वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी दी जा रही है। किस पे दी जा रही है? ऑनलाइन क्रिक किंगडम पे। और वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। गॉट इट? चलो अब बात करते हैं आगे। सो महाराणा प्रताप जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महाराणा प्रताप जयंती कौन से डे को मनाई गई? सो इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of May, ठीक है, 9th of May। देखो 9th of May, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो ये इनका बर्थ हुआ था 9th of May 1540, ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी January 29, 1597, ठीक है। इनको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया है इनको पेज किया है कि ये महान लीडर थे, और इनके लिए ट्वीट भी किया है, ठीक है। सो महाराणा प्रताप जयंती थी, ठीक है ये, और ये इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बात करते हैं। ये कहाँ के रूलर थे? ये मेवाड़ के रूलर थे, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के। गॉट इट? मेवाड़ के रूलर थे। और इनके फादर का नाम क्या था? इनका फादर का नाम था उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। और कहते हैं महाराणा प्रताप की हाइट 7 feet और 5 inches थी, 7 feet और 5 inches, मीन्स कोई अपोनेंट तो उनको देख के ही डर जाएगा, 7 feet और 5 inches, ठीक है। और ये कौन से मुगल एम्परर के अगेंस्ट फाइट करी इन्होंने? ही फोट अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर, अकबर के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी, ठीक है। और चित्तौड़ को इन्होंने मुक्त कराया था, चित्तौड़ को इन्होंने मुक्त कराया था। और इन्होंने 1576 में, इनसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इन्होंने 1576 में एक बैटल लड़ी थी, कौन सी? हल्दी घाटी, ठीक है। और इस बैटल में ये अकबर के अगेंस्ट थे, और अकबर ने इनको हरा दिया था इसके अंदर, ठीक है, हल्दी घाटी के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं फिर इन्होंने 1584 में एक बार फिर इन पे दोबारा अटैक किया, और उस टाइम पंजाब के मोस्टली एरिया जो कि अकबर द्वारा कैप्चर कर लिया गया था उसको वापस फ्री कराया, ठीक है। फिर 1584 से उसके बाद ये पंजाब में रहे, और फिर 1597 में इनकी डेथ हो गई, 1597 में इनकी डेथ हो गई। सो इन बहुत कम सी, बहुत इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि इनके इन्होंने जो जैसे इन्होंने मेवाड़ की तरफ से फ़ाइट की थी, और जैसे चित्तौड़ को फ्री करवाया था, तो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम्स, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। सो 159th जयंती ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले सेलिब्रेटेड ऑन? फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू नो अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले, दैट हु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले? सो ही वॉज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, ओके। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े स्वतंत्रता के महासंग्राम ने इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। और प्लस जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ही वॉज द गुरु, उनके गुरु थे ये, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो ये कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर में, ठीक है। सो इनके बारे में बात करते हैं, इन्होंने बोर्न हुए थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका बर्थ हुआ था। और
इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट की थी, फाउंडेशन. ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. गॉट इट? सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में, बहुत कुछ है जानने के लिए. लेकिन ऐसे जैसे स्टैटिक जीके को लेके ऐसे साथ नहीं चल सकते, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग. सो इनके बारे में एक बार ये देख लो. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज वन ऑफ द फोर रनर्स ऑफ द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वॉन्टेड इंडियंस टू रिसीव प्रॉपर एजुकेशन एंड बिकम अवेयर ऑफ देयर सिविक एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंट्री. गॉट इज? देखो इनके थॉट्स भी कितने अच्छे हैं. सो ये 9th of May 1866 को इनका बर्थ हुआ था. 19th February 1915 को इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट करी है. कब? 9th of May को. 9th of May को हमने एक और चीज़ क्या की है, वो करी हमने महाराणा प्रताप जयंती. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग. सो अब कुछ वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रवासी राहत मित्रा एफ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट. ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर टाइम कुछ ना कुछ लॉन्च कर रही है. ठीक है, सो ये देखो, ये ट्वीट देखो, ये है योगी आदित्यनाथ की, यूपी के सीएम की. ठीक है, सो ही सेड मुख्यमंत्री प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया गया है. ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके थ्रू विकसित किया गया ये ऐप. दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द UNDP. ओके, और ये लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा. इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे क्या रीज़न है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, मैं बताता हूँ आपको. देखो, जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे, जो भी लोग अदर पार्ट्स में थे, द पर्सन हु वर स्टक इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, नाउ दे आर कमिंग बैक टू द यूपी. ठीक है, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे. सो अब उनको आने के बाद ये ऐप उनको इंस्टॉल किया कराया जाएगा उनके फ़ोनों में, और फिर उस ऐप के थ्रू उनके डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, उनके डाटास कलेक्ट किए गए, और उनके अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. सो ये ऐप का मेन मोटिव है. ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की. सो इंडिया AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, AIIB की फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, ये है क्या, इसमें टोटल 78 मेंबर्स हैं. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग कहाँ है, चाइना में, चाइना की कैपिटल है. ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिकन. ठीक है, ओके. और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 16th जैन 2016. ठीक है, अब बात करते हैं ये है क्या, ये वन लाइनर. इन्होंने अभी रिसेंटली $500 मिलियन दिए हैं भारत को, इंडिया को, टू फाइट विद कोविड 19. ठीक है, बात करते हैं आगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज न्यू रोड फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज इज रेडी, विल कट ट्रेवल टाइम बाय 3 days. देखो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गोड्स में, इन सब में ट्रस्ट करते हैं. सो बहुत सी यात्राएं फेमस है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहाँ जाता है. सो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं. सो कैलाश मानसरोवर नेपाल में पड़ता है. ठीक है, सो हुआ क्या था, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच. तो इंडिया क्या प्लान कर रही थी, देखो मैप के थ्रू समझाता हूँ मैं. इंडिया ने प्लान किया है कि जो ये है, एक मिनट देखो. सो ये जो दार्चुला है यहाँ इस पास से लेके, ये क्या कर रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक लीपू लेक पास तक. ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा. फिर इससे क्या होगा, इससे कितने दिन का टाइम कम हो जाएगा, 3 days का टाइम कम हो जाएगा. कितने का, 3 days का. और बात रहती है अगर ये लीपू लेक पास के बाद, ये जो नेपाल है ये इसको एग्री नहीं कर रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे इन्होंने डायरेक्ट रोड बना दिए. और ये रोड बनाई किसके द्वारा गई है, अभी किसके किस किसका प्लान था, ये डिफेंस मिनिस्टर का, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राजनाथ सिंह.
ठीक है। सो उनके द्वारा ये अभी लॉन्च की गई है, इनको फ्लैग दिखाया गया है और ये लॉन्च कर दी गई है फिलहाल, ठीक है। सो दिस वॉज द करंट अफेयर्स ऑफ द डे, नाउ आई एम डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।